नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। चांदू रेलवे शहर के विरल रोंगे मार्ग पर गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे उस समय हंगामा मच गया जब परिसर में रहने वाले पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के घर पर अचानक ही 10 से 15 युवाओं के समूह द्वारा धावा बोलते हुए घर के भीतर पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी गई। साथ ही घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर वीरेंद्र जगताप का पुतला भी फूंका गया। इस समय वीरेंद्र जगताप के घर से बाहर आते ही और घर के आसपास जगताप समर्थकों के जुटते ही उपद्रवी युवा स्कॉर्पियो व इंडिका वाहन में बैठकर मौके से फरार हो गए, जिनका चांदू रेलवे पुलिस एवं जगताप समर्थकों द्वारा पीछा करते हुए उन्हें सावंगा विठोबा मार्ग पर पकड़ा गया। बाद में पता चला कि ये सभी युवक प्रहार जनशक्ति पार्टी से वास्ता रखते हैं और विगत दिनों वीरेंद्र जगताप द्वारा प्रहार के संस्थापक व राज्य मंत्री बच्चू कड़ू को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किए जाने की वजह से संतप्त थे और उन्होंने वीरेंद्र जगताप का निषेध करने हेतु उनके घर के सामने उत्पात मचाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिला बैंक का चुनाव निपटने के साथ ही अब आपसी प्रतिद्वंदिता व खुन्नस के साइड इफेक्ट उभर कर सामने आने लगे हैं। गुरुवार की दोपहर तक मामले की जानकारी मिलते ही जिला ग्रामीण पुलिस दल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव भी चांदू रेलवे पुलिस थाने पहुंच गए थे। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष व कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख भी चांदू रेलवे स्थित वीरेंद्र जगताप के घर पहुंचे। पश्चात देशमुख को जगताप ने चांदू रेलवे पुलिस थाने जाकर ASP सातव से मुलाकात करते हुए उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी और हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं चांदू रेलवे थाना पुलिस ने वीरेंद्र जगताप की शिकायत पर 10 से 12 उत्पाती युवकों के खिलाफ हिंसा व दंगा फैलाने को लेकर फौजदारी मामला दर्ज किया है। इधर प्रहार जनशक्ति पार्टी के शहराध्यक्ष बंटी रामटेकी की शिकायत पर जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख तथा चांदू रेलवे के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के खिलाफ स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में गाली गलौज किए जाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। बंटी रामटेके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि विगत 5 अक्टूबर को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल के चुनाव में विजयी रहने वाले सहकार पैनल के बबलू देशमुख व वीरेंद्र जगताप अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपराध 1 बजे सरकारी विश्राम गृह पहुंचे थे, जहां पर जीत का जश्न जारी रहने के दौरान बबलू देशमुख व वीरेंद्र जगताप ने प्रहार पार्टी के संस्थापक व राज्य मंत्री बच्चू कड़ू एवं उनकी माताजी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके अलावा इस मामले को लेकर गत रोज प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहने के बावजूद जिलाधीश कार्यालय के सामने अपने कई साथियों के साथ जमा होते हुए धरना प्रदर्शन करने को लेकर गाड़गेनगर पुलिस द्वारा प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बंटी रामटेके सहित करीब 10 से 12 कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कोविड संक्रमण के चलते विगत 1 वर्ष के दौरान लगातार 3 बार समयावृद्धि प्राप्त कर चुकी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में चुनाव कराने का मुहूर्त अंततः निकल आया है। राज्य सहकार निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा कृषि उत्पन्न बाजार समिति की मतदाता सूची व निर्वाचन संबंधी कामों को लेकर समय सारिणी की घोषणा कर दी गई है, जिसके मुताबिक आगामी 6 दिसंबर को कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 16 दिसंबर को चुनाव संबंधी अधिसूचना घोषित होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद 17 जनवरी को फसल मंडी के संचालक मंडल के चुनाव हेतु मतदान कराया जाएगा और 18 जनवरी को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल ही अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव निपटे हैं, जिनमें जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के नेतृत्व वाले सहकार पैनल ने एक तरफा व शानदार जीत हासिल की। इससे इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का समर्थक गुट जबरदस्त ढंग से उत्साहित है। वहीं अब सहकार क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के संचालक मंडल के चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित हो गया है। ऐसे में अब सहकार क्षेत्र में एक बार फिर जबरदस्त गहमागहमी दिखाई देना तय है। वहीं पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के समर्थक गुट द्वारा अमरावती फसल मंडी को एक बार फिर अपने कब्जे में रखने के लिए तमाम तैयारियां की जानी भी पूरी तरह से निश्चित है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या फसल मंडी के चुनाव में भी सत्ता परिवर्तन का दावा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2021-2022 में कार्यकाल खत्म होने जा रही महानगर पालिकाओं के चुनाव हेतु प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तैयार करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं और 5 अक्टूबर से 3 सदस्यीय प्रभाग का प्रारूप तैयार करने हेतु कहा गया है। ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा अब नए सिरे से प्रभाग रचना का काम शुरू किया गया है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की कुल 23 महानगर पालिकाओं को 1 सदस्यीय प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बाद में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई को छोड़कर राज्य की अन्य सभी महानगर पालिकाओं में 3 सदस्यीय प्रभाग रचना के जरिए चुनाव करवाए जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे में विगत अगस्त माह से 1 सदस्यीय प्रभाग रचना को लेकर शुरू किए गए काम का अब कोई औचित्य नहीं बचा है और निर्वाचन आयोग द्वारा सभी संबंधित महानगर पालिका प्रशासन को 3 सदस्यीय प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है।
आज सुबह आयकर विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले कई लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए और आयकर विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस दल का साथ लेने की बजाय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को अपने साथ रखा गया। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा बारामती का दौरा करने के बाद दूसरे ही दिन यह छापामार कार्रवाई शुरू होने के चलते कई तरह के तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं और इस कार्रवाई की वजह से राकांपा नेता व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने से संबंधित कई लोगों पर आयकर विभाग द्वारा छापे मारे जाने की पुष्टि करने के साथ कहा कि उनके रिश्तेदारों विशेषकर उनकी बहनों के यहां पर आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे समझ से परे हैं और इसमें राजनीतिक दुर्भावना दिखाई दे रही है। वहीं आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को निंदनीय व धक्कादायक बताते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि इन दिनों बदले की भावना से प्रेरित होकर राजनीति की जा रही है और विगत 7 वर्षों के दौरान यह भावना व वृत्ति बेहद बढ़ गई है। मंत्री यशोमती ठाकुर के दौरान राजनीतिक खुन्नस से परिवार वालों को दूर रखा जाना चाहिए। वैसे भी परिवार वालों के साथ दुश्मनी या खुन्नस निकालना देश की संस्कृति के लिहाज से ठीक नहीं है। राज्य सरकार द्वारा घट स्थापना पर्व पर सभी धार्मिक स्थलों को छूट दिए जाने के साथ ही अमरावती शहर सहित जिले में नवरात्रोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ प्रारंभ हुआ। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में अमरावती के अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर सहित जिले के सभी देवी मंदिरों में आकर्षक रोशनाई व साज सज्जा की गई है। साथ ही करीब 1.5 वर्ष के अंतराल पश्चात सभी मंदिरों के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। ऐसे में नवरात्र के पहले दिन अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर सहित जिले के सभी मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। हालांकि सभी मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग करने के साथ उनसे बेहद कड़ाई के साथ कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन कराया जा रहा है, जिसके तहत मंदिरों में प्रवेश करने से पहले सभी भाविकों को सैनिटाइजर का प्रयोग करना होता है। साथ ही अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। गुरुवार की सुबह से अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में नवरात्रोत्सव के निमित्त विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आरंभ हो गए, जिसके तहत विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना व सहस्रधारा अभिषेक करते हुए ध्वजारोहण किया गया। करीब 1.25 वर्ष के अंतराल पश्चात घट स्थापना जैसे पावन पर्व पर मंदिरों के कपाट खुलने के चलते अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर सहित सभी मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। नौ दिवसीय नवरात्रोत्सव के मद्देनजर अंबा देवी मंदिर व एकवीरा देवी मंदिर के चप्पे चप्पे पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। साथ ही गुरुवार तड़के मंदिर के हर कोने की शहर पुलिस के बम शोधक व नाशक पथक तथा श्वान पथक द्वारा जांच पड़ताल की गई। साथ ही यहां पर कई सादे गणवेशधारी महिला व पुरुष पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
घट स्थापना के पर्व पर मंदिरों के खुलने व नवरात्रोत्सव के शुरू होने के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने खुद गुरुवार की दोपहर अम्बा देवी व इकबेरा देवी मंदिर पहुंचकर यहां पर किए गए तमाम इंतजामों व मंदिर परिसर में लगाए गए पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। इस समय कोतवाली पुलिस स्टेशन की थानेदार नीलिमा आरज भी सीपी डॉक्टर आरती सिंह के साथ उपस्थित थी। नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों के पट खोले जाने के बाद जिले की सांसद नवनीत राणा ने भाविक श्रद्धालुओं के साथ अम्बा देवी एकवीरा देवी व महाकाली माता मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए। साथ ही राज्य सहित देश से कोरोना के खात्मे एवं सभी लोगों की सुख समृद्धि के लिए देवी माता से प्रार्थना की। इससे पहले गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे के आसपास जिलाधीश पवनीत कौर ने भी अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिर पहुंचकर देवी दर्शन किए। इस समय जिलाधीश पवनीत कौर ने कोविड संक्रमण काल व लॉकडाउन के समय जिला प्रशासन के साथ पूरी तरह से सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए मंदिर संस्थान के विश्वस्तों के प्रति आभार ज्ञापित किए। साथ ही आगे भी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करने को लेकर आह्वान करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। हिंदू स्मशान भूमि के पीछे गड़गड़ेश्वर मार्ग स्थित श्री महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान में गुरुवार 7 अक्टूबर से घट स्थापना पर्व पर 9 कुंडीय हवनात्मक शचंडी महायज्ञ का प्रारंभ हुआ, जिसके तहत सबसे पहले मंडप द्वार पूजन व तोरण मंडप प्रवेश करते हुए महायज्ञ के पूजन का प्रारंभ किया गया। इस आयोजन के तहत आगामी 13 अक्टूबर तक रोजाना सुबह 10 से अपराह 1 बजे तक महायज्ञ किया जाएगा। वहीं 14 अक्टूबर को सप्तशती पाठ व यज्ञ पूर्णाहुति के साथ महाआरती करते हुए इस आयोजन का समापन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज देश के 35 ऑक्सीजन निर्मिति प्रकल्प का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, जिसमें अमरावती जिले के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थित ऑक्सीजन प्लांट का भी समावेश है। कोविड महामारी से मुकाबला करने हेतु पीएम केयर फंड की मदद से 1150 ऑक्सीजन प्रकल्पों का निर्माण किया गया है, जिनका ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। इस ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा, वर्धा के सांसद रामदास तड़स, चांदूर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़, अमरावती के प्रथम नागरिक व महापौर चेतन गावंडे, जिलाधीश पवनीत कौर व जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम उपस्थित थे। वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब, से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ, हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया के का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान भारत ने जो कर दिखाया, वो हमारी संकल्प शक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कक्ष में श्री क्षेत्र सिद्धपुर में मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापित किए जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विद्यापीठ की स्थापना को लेकर सकारात्मक चर्चा भी की गई। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने बताया कि झुंझ के दुर्घटनाग्रस्त 11 व्यक्तियों के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर जिला प्रशासन को निधि भेजी गई है। विगत 14 सितंबर को वरुड़ तहसील अंतर्गत वघाल शिवार के झुंझ में वर्धा नदी पात्र में नाव डूब जाने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल में ठेकेदारी के तौर पर कार्यरत कामगारों के वेतन की नियमबाह्य कटौती करने की शिकायत राज्य मंत्री बच्चू कड़ू को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कामगारों का शोषण करने वाले ठेकेदारों पर फौजदारी अपराध दर्ज करने के निर्देश कामगार विभाग को जारी किए हैं। इस विषय को लेकर राज्य मंत्री बच्चू कड़ू द्वारा स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में एक समीक्षा बैठक भी बुलाई गई थी।
शहर के ख्यातनाम समाज सेवी डॉक्टर गोविंद कासठ का 75वां जन्मदिवस सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। जीवन के अमृत महोत्सवी पड़ाव पर खड़े डॉक्टर गोविंद कासठ ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर में रहने वाले अपने आदरणीय स्थानों के घर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और शॉल श्रीफल व स्वलिखित पुस्तकें देकर उनका सत्कार भी किया। इसके अलावा डॉक्टर गोविंद कासठ के एकनाथपुरम परिसर स्थित निवास गोविंदम में गुरुवार की दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक दिव्यांगजनों के लिए अल्पाहार का प्रबंध किया गया था। साथ ही 100 दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत का साहित्य भी विभिन्न गणमान्यों के हाथों वितरित किया गया। स्थानीय राजापेट रेलवे अंडरपास को 2 माह पहले आम जनता के लिए खोल दिया गया था, लेकिन इस अंडरपास से होकर तारामाता मंदिर की ओर जाने वाले पैदल मार्ग व सीढ़ी पर सुरक्षा जाली नहीं लगाई गई। ऐसे में यहां पर कभी भी कोई हादसा घटित होने की संभावना है। अतः राजापेट परिसर वासियों द्वारा इन सीढ़ियों पर जल्द से जल्द लोहे की सुरक्षा जाली लगाए जाने की मांग की जा रही है। नई बस्ती बडनेरा के साप्ताहिक बाजार का अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए और साप्ताहिक बाजार परिसर में तार फेंसिंग की जाए, इस आशय की मांग को लेकर जय संविधान संगठन द्वारा दिग्मायुक्त प्रशांत रोडे को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय मैदानी खेल स्पर्धा का आयोजन इंडियन पैसिफिक फेडरेशन द्वारा किया गया था। इस स्पर्धा में शहर के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के खिलाड़ियों ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। इस स्पर्धा में स्वर्ण रजक व कांस्य पदक प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य द्वारा स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। स्थानीय श्री अग्रवाल समाज द्वारा महाराष्ट्र अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन रायली प्लॉट स्थित श्री अग्रसेन भवन में किया गया। विगत 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक यह जयंती महोत्सव आयोजित किया गया था। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गुरुवार को इस जयंती महोत्सव के समापन अवसर पर अग्रसेन भवन में महाराज अग्रसेन आरती व छप्पन भोग का आयोजन हुआ। अरुणा पाशेनी रहे अमीर भैया मित्र भैया लोग को जो बनने के तुरंत मिले तैयार जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की लिस्ट है वो पार्टी भाग्य ना। आगामी 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि को आम जनता के लिए खोलने के साथ ही नर्सरी से माध्यमिक स्कूलों को पूर्ववत शुरू करने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा की ओर से जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम ज्ञापन भेजा गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में इस समय पूरी तरह से अनलॉक करते हुए सब कुछ खुला कर दिया गया है, लेकिन दीक्षा भूमि को बंद रखा गया है। अतः आगामी 14 अक्टूबर को धम्म क्रांति दिवस के अवसर पर दीक्षा भूमि को भी खोला जाना चाहिए। वडाली और महादेवखोरी के नागरिकों द्वारा पीआर कार्ड के लिए जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन शुरू किया गया है। इस अनशन में संबंधित क्षेत्रों के नागरिक हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही जल्द से जल्द परिसर वासियों को पीआर कार्ड दिए जाने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प शुरू करने की मांग को लेकर भीम ब्रिगेड की ओर से जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन प्रारंभ किया गया है। आज इस अनशन का 14 दिन रहा, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इस अनशन की कोई दखल नहीं ली गई है। ऐसे में गीता गवई, अशफाक अहमद व शारदा मसराम नामक अनशनकारी की तबीयत बिगड़ जाने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के वडरपुरा, कुंभारवाड़ा व लुम्बिनी नगर परिसर में रोजाना सुबह शाम के समय 4 से 5 घंटे तक बिजली गुल हो रही है, जिसकी ओर महावितरण के वडाली शाखा कार्यालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अतः उप अभियंता का तत्काल तबादला किए जाने की मांग को लेकर परिसर वासियों द्वारा महावितरण के कार्यकारी अभियंता कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। विद्यापीठ परिसर के मातोश्री मीनाताई ठाकरे चौक में स्वर्गीय शिवसेना के पूर्व विधायक संजय बंट तथा शिवसेना नेता अमोल निस्ताने के प्रयासों से स्थापित किए गए मातोश्री नवदुर्गोत्सव मंडल अपने 21वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। इस वर्ष मंडल द्वारा नवरात्रि के पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीती शाम यंग इंस्पिरेशन नेटवर्क की ओर से सोशल मीडिया पर्दे के पीछे का सत्य विषय को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सीए ने साइबर जागरूकता विषय पर अपने विचार रखे और युवकों को साइबर जागृति का पाठ सिखाया। सीपी डॉक्टर आरती सीए ने कहा कि वर्तमान दौर में इंटरनेट का उपयोग बैंकिंग, गेमिंग, शिक्षा व सोशल मीडिया में हो रहा है, लेकिन इस दौर में साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं तथा कई युक्तियों का इस्तेमाल करते हुए साइबर अपराधियों द्वारा आम नागरिकों को ठगना शुरू किया गया है। शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय अंतर्गत एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत महाविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्रों को कौशल्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोरोना काल के दौरान स्कूल व महाविद्यालय बंद रहने से छात्रों के जीवन पद्धति में काफी बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में शहर पुलिस द्वारा यह विशेष मुहिम चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। यवतमाल जिले की पुसद तहसील में आने वाले पांडुरना खुर्द खेत परिसर में बुधवार की दोपहर 2 बजे के करीब खेत में गाज गिरने से खेत मजदूर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक खेतीहर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की शिनाख्त पांडुरना निवासी मनोहर बदू चौहान बताया गया है, जबकि घायल महिला का नाम शोभाबाई राठौड़ पता चला है।
गत रोज राजापेट थाना क्षेत्र अंतर्गत सामरा नगर में 13 वर्षीय बच्चे का 3 से 4 आरोपियों द्वारा चाकू की नोक पर अपहरण किए जाने का मामला सामने आया था। हालांकि सभी अपहरणकारी महज 1 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिए गए। पश्चात राजापेट थाना पुलिस द्वारा अपहरणकर्ता आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपियों को 8 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया। पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए नाबालिग बेटी के सामने अपने पत्नी के साथ अश्लील गाली गलौज करने वाले राजकुमार वास्तविक नामक व्यक्ति के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। कविठा गांव में सेंधमारी की घटना को अंजाम देने वाले कांडली निवासी शातिर चोर दिलीप उइके को ग्रामीण अपराध शाखा की टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। पुलिस को पता चला था कि इस आरोपी का सहभाग कई आपराधिक वारदातों में है। मोर्शी से अमरावती की ओर तेज गति से आ रही दुपहिया पुल से टकराने के बाद दातपेड़ी नदी में जा गिरी। इस हादसे में मोर्शी के ताजनगर निवासी दानिश अहमद आसिफ अहमद की मौत हो गई, वहीं शेख मजमिर शेख हनी गंभीर रूप से घायल हो गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।